जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है SSB की तरफ से। SSB में हेड कांस्टेबल मिस्टर का वैकेंसी आया हुआ है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। 24 जुलाई से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना होगा, 24 को वीडियो मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना होगा मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। 12th पास मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर लेंगे। ऑल इंडिया में कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे अच्छी बात है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिस है आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 24 से 30 जुलाई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखें। तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी का वीडियो मैंने बहुत पहले बना रखा है, एक वीक पहले, जिसमें आपको बताया था इस वैकेंसी के बारे में। यही आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, देख पाएंगे SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020 आपको देखने को मिल जाएगा। 2020 में वैकेंसी आने वाला था, कोविड की वजह से नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप और उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको SSB देखने को मिल जाएगा। एड्रेस यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिल्ली का एड्रेस है। और ये ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल किया जाएगा, आपका ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। इंडिया और नेपाल और भूटान के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पोस्ट नेम आपको देखने को मिल जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी, मैंने पहले भी बताया था आपको। alljobsfori.com पे भी ये देखने को मिल जाएगा, मैं लिंक उसका भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर आपका पे लेवल रहने वाला है 4, उसके बाद पे मैट्रिक्स आपका रहेगा 25,500 से 81,100 रहने वाला है। आपका 7 CPC रहेगा। उसके बाद और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे नीचे आएंगे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट नेम आप देख पाएंगे जनरल EWS OBC SC ST टोटल पोस्ट, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है। 47 UR के लिए है, 11 EWS के लिए है, और OBC के लिए 26 है, SC के लिए 21 है, ST के लिए 10 है। टोटल 115 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पे देख पाएंगे और भी EWS और SC ST को यहाँ पे आपका रिजर्व रहने वाला है, और एक सर्विसमैन का 10% रिजर्व रहेगा। और नीचे आएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो क्या रहने वाला है मैं बात कर लेता हूँ। पोस्ट नेम, एज, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट नेम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके बाद एज आप यहाँ पर देख पाएंगे 18 से 25 वर्ष एज मांग गया है। एज में छूट आपको नियमानुसार देखने को मिल जाएगा, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात कर लूँ, तो अगर आप इंटर पास हैं, इंटरमीडिएट पास हैं किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें 12th मांगा गया है। इसमें स्किल टेस्ट जो रहने वाला है, इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका मांगा जाएगा, जो स्पीड रहने वाला है आपका इंग्लिश का रहने वाला है 35 और रहेगा हिंदी का 30, यही आपका स्पीड रहने वाला है। टाइपिंग स्पीड यही मांगा गया है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे और जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें लास्ट डेट बताया गया है जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया, उससे 30 दिन तक फॉर्म फिल किया जाएगा, यानी कि 24 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 के बाद 30 दिन ऐड कर लीजिए। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं बता दूंगा, 24 से अगले महीने 22 या 23 यहीं अप्लाई करना होगा। 22 या 23 अगस्त इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज का पब्लिश कर दिया गया है। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फ़ी EWS और OBC को 100 रुपया चार्ज देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी आपका एग्जामिनेशन फ़ी रहने वाला है, ये आपको 100 रुपया चार्ज देना होगा। बाकी ये चार्ज आप वनली नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इसी से पे कर पाएंगे, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप एक बार पे कर देते हैं, अगर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर आप SC ST एक सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, आपका जो फॉर्म है फ्री है, आप फ्री अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही। आपको सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 33
3383/RC SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020, इसको आपको डाउनलोड करके सही से रीड कर लेना। अभी पब्लिश नहीं किया गया, अभी इम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया हुआ है, बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, आज रात में या कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है और यहीं से आपका ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किया जाएगा। और भी जानकारी यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ से देख पाएंगे। और इसका जो और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं www.alljobs4u.com पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज यही बताना था इस वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इसके अलावा आपको कोई और सवाल होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।